So today we are starting very important topic, and the name of the topic is a CVP analysis. Okay, so adhara likhi abhi. Meaning of marginal cost. मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसी फॉर्मेट में मेरे को आपको आगे लेके चलना है, राइट। इसमें दो तीन टाइप के सम रहेंगे, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, 18 मार्क्स, तो उसी रेंज में मैं आपको लेके चलता हूँ, राइट, एंड प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो इफ आई एम गोइंग फास्ट और वट एवर यू नो, जस्ट लेट मी नो। ओके, सो फर्स्ट मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एनी एक्सपेंस any expense which is increases or decreases according to volume is known as marginal cost is known as marginal cost and bracket में आप लिखो variable cost। Second meaning of fixed cost, any expense which is constant up to 100% capacity is known as fixed cost. Third, meaning of semi variable cost, it is a total of variable plus fixed cost। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में जो सम आते हैं ना, वहाँ पे आप एक भी कहीं पे भी, आप मैं आपको बताऊंगा सारे एग्जाम्स के ही समय, आप वहाँ पे फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते। आपका लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए। वो लॉजिक को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ किस तरह से आपको सीखना है, कैसे यूज करना है और कैसे आपको पता चलेगा कंसल्टेंसी में ऑल्सो कि जो आप बोल रहे हो वो बराबर है। तो 3-4 तरह की सिचुएशन है, एक एक सिचुएशन को मैं लेके चलता हूँ। देखो, एवरीथिंग इन द बिजनेस इज डिपेंड्स ऑन सेलिंग प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस यू डिवाइड इन 3 फ्रेंड्स, योर वेरिएबल प्राइस, योर फिक्स कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट। इसके बाहर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कॉस्टिंग में इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस डिवाइड इन टू वेरिएबल कॉस्ट, बाकी का इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड इन टू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये चार्ट से बाहर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे 4 मार्क का समय, चाहे आपका 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स और 16 मार्क्स, हर सम आपका इस चार्ट में फिट हो जाएगा। सोचना आपको यही डायरेक्शन में, सेलिंग प्राइस डिवाइड इन वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सपोज मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ, उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है ₹10, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 5, तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बचेगा, 5। मेरा फिक्स कॉस्ट है सपोज 5000 एंड आई डोंट वांट टू अर्न एनी प्रॉफिट। दिस सिचुएशन इज नोन योर ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज अ पॉइंट व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसी के एक एक धीरे 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 चल के क्या इसके कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, कैसे प्रेजेंट करना, आंसर एवरीथिंग मैं आपको लिखा था। अभी आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं बताता हूँ, राइट। तो आपका क्या रहेगा, आप कैसे प्यार से समझाएंगे टीवाई स्टूडेंट को या क्लाइंट को कि देखो आपने 1 यूनिट सेल किया 10 में,
आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 5, तो आपके पास क्या बचा 5। अब ये 5 से आपको क्या रिकवर करना है, फिक्स कॉस्ट। तो आपका फिक्स कॉस्ट क्या है 5000, और आपका एक यूनिट पे आपको क्या बच रहा है 5। इसका मतलब अगर आप 1000 यूनिट सेल करते हैं तो आपको क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। 1000 यूनिट्स इंटू 10 आपका कलेक्शन क्या होगा 10,000, 1000 इंटू 5 आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा 5000, व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट 5000, उसमें से फिक्स कॉस्ट 5000, नो प्रॉफिट। तो आपका फॉर्मूला बन गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है मेन, इस टाइप के क्रिटिकल इश्यूज में आपको लेके चलता हूं, अगर आपका ये चार्ट क्लियर है तो परफेक्टली आप राइट जाएंगे, कोई सम रॉन्ग होने का चांस ही नहीं। एंड द मेन बेनिफिट, यू कैन वेरीफाई योर आंसर। आप बोलते नहीं सर, आप मुझे तो 5000 का प्रॉफिट और कमाने का, इसका मतलब अगर आप एक यूनिट सेल करते हैं आपको क्या मिलेगा 10, उसमें से इमीडिएटली कितना निकल जाएगा 5, व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट टू यू 5, और 5 से आपको क्या रिकवर करना है 5 प्लस 5। सही है सोनू, ये आपका क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू 5000 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 5, आपका क्या हो जाएगा 2। आपका यूनिट्स अगर आप सेल करते हैं तो आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट क्या मिलेगा 5, 2000 इंटू 10 सेल आपका क्या होगा 20,000, 2000 इंटू 5 वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 10,000, व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट 10,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट 5000। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रेंड्स, आपने टोटल सेल्स किया है, टोटल सेल्स से आपका 2000, उसमें से आपका बीईपी सेल्स हो रहा है 1000 पे, सही है सुनो फ्रेंड्स, बाकी का आपका जो बचेगा दिस इज ए एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। आफ्टर द बीईपी पॉइंट इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट टू अर्न द प्रॉफिट। बीईपी सेल्स का मतलब क्या हुआ, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपका सेल्स क्या हुआ 10,000, आपका वेरिएबल कॉस्ट 5,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 5,000, प्रॉफिट इज निल, फिक्स कॉस्ट इज। इसका मतलब कभी कभी मैं जल्दी जल्दी में आपको ये भी बोलूंगा, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल टू बीईपी सेल्स। मेरा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है तो ये मेरा क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ये बीईपी सेल्स। एमओएस सेल्स आपका क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कितने का सेल हुआ 10,000, दिस इज 5,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 5,000, फिक्स कॉस्ट नहीं। तो मैं आपको बोलूंगा वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट इसको मैं नहीं लूंगा, इक्वल टू एमओएस सेल्स। तो मेन आपको ये चार्ट ध्यान रखना है, अगर आपने ये लिया तो 18 मार्क्स वाले सम भी, फ्रेंड्स आप देखो किस तरह से मॉड्यूल में गलत सॉल्व करते हैं, किस तरह से लोग पढ़ाते हैं क्लासेस में, क्यों लोगों का स्कोर नहीं हो पाता, वो सब चीजें आपसे डिस्कस करूं। और आप ये सोचिए कि आपका क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, क्लाइंट का मतलब ये हुआ कि आपको वेरीफाई करके देना है उसको आंसर, आपको बात अपनी समझानी है, ही इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ही डजंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, आप उसको कैसे बताएंगे। और ये फॉर्मेट ऐसे नहीं है फ्रेंड्स कि जस्ट आपको दे दिया, हर दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आप लेके आना, ये मेरा गारंटी है। आपको स्टैंडर्ड में दिया है या मार्जिनल में दे रहा हूँ, या आपको एबीसी में दूंगा, या रिलेवेंट कॉस्टिंग में दूंगा, या ट्रांसफर, जो फॉर्मेटिंग में दे रहा हूँ, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आप लाइए उस फॉर्मेट में फिट होगा ही। ताली बजाओ यार, ऑलराइट। लेकिन आप पूरा कॉन्सेंट्रेट, इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। When something is limited to you, then how to take the decision? आपको याद ये रखना है, ये चार्ट अगर आपको याद है तो प्रॉब्लम होगा नहीं। सेलिंग प्राइस डिवाइड इन टू वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग समझा दिया क्लाइंट को, एनी एक्सपेंस विच इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, ऐसे ही उसको रिलेवेंट कॉस्टिंग का समझाएंगे पूरा फंडामेंटल। रिमेंबर मैंने आपको एक होस्टल वो एग्जाम्पल दिया था राजकोट स्टूडेंट का, उसी को डिस्कशन को आप अपन आगे कैरी करेंगे। आपको क्या याद रखना है, इससे हटना नहीं है आपको, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कितना भी रिवर्स सम है,
मिसिंग फिगर है, सब कुछ इसके अंदर फिट हो जाएगा। इसके लिए मैं एकदम स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ, आपको जीरो नॉलेज से लेके चल रहा हूँ मार्जिनल। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर, नो प्रॉब्लम। आप जरा कॉपी कर लीजिए ये चार्ट। ये चार्ट को आप जरा कॉपी कर लीजिए फ्रेंड्स। सेलिंग प्राइस डिवाइडेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस डिवाइडेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, बीपी इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जिन लोगों को थोड़ा भी फ्रेंड्स टीचिंग में इंटरेस्ट है ना, आप कॉस्टिंग एटलीस्ट टीवाई का पढ़ाओ। देयर इज लॉट ऑफ वैकेंसीज, कितने सारे लोग बोलते हैं, लोग डरते हैं कॉस्टिंग पढ़ाने में। आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझा देंगे ना, उनका टीवाई वालों का काम हो जाएगा। और टीवाई वालों का प्रॉब्लम क्या रहता है ना, उनको कुछ आता है ना उनको कुछ सीखना है, राइट? हम लोग जब टीचिंग स्टार्ट किया था, और हमारे सुखसागर में हम लोग काम करते थे, वहाँ हम लोगों ने टीचिंग स्टार्ट किया तो हम लोगों को CS पढ़ाने के लिए दे दिया, राइट? एंड CS में क्या रहता है, गर्ल्स मैक्सिमम, राइट? ना उनको कुछ आता था ना उनको कुछ सीखना है। हाँ, TY हो गया, मम्मा बोलती है शादी नहीं होती, चल CS ज्वाइन कर ले करके। अब वो पढ़ाने के लिए, अब उनको ना तो वो हर 15 मिनट में तो ब्रेक, सर अब तो बहुत टायर्ड। चल, अब उनको कैसे घुसाने का उनके दिमाग में कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, फॉर्मूला इस और फॉर्मूला तो इज वेरी कन्फ्यूजिंग। अब आप कैसे स्टार्ट करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्लाइंट के दिमाग में कैसे घुसाते हैं आप अपनी बात, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये देख समझ ले, ये सेलिंग प्राइस वेरिएबल का अपन ने मीनिंग समझा दिया, उसको फिक्स का मीनिंग समझा दिया, सेमी वेरिएबल का। इसके बाद अब इसके क्रिटिकल सिचुएशंस को लेके चलेंगे, राइट? नेक्स्ट आप लिखो एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सब आपको किस में मिलेगा, इन यूनिट्स। All right friends, expected sales for required profit equal to VP sales MOS sales BP divided into variable cost and contribution divided into fixed cost and profit. Bolo. Expected sales दो का total रहेगा, BEP plus MOS का, right? अगर आप BEP minus करते हैं तो MOS मिलेगा, आप MOS minus करते हैं तो BEP मिलेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स मिलेगा।
एमओएस सेल्स का मतलब हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। राइट फ्रेंड्स, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इट मींस एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू बीपी एंड एमओएस, एंड बीपी मींस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अगर मैं इस शॉर्ट में लिखता हूं तो आपको कुछ प्रॉब्लम है? ओके, परफेक्टली क्लियर। लेट्स स्टार्ट। सपोज अपन ने श्रुति को बुलाया, राइट, उससे अपन क्वेश्चन पूछते, एक स्टूडेंट का फीस 5,000 है, 2,000 उसके ऊपर खर्चा हो जाएगा और इधर का रेंट 60,000 है, बोल कितने स्टूडेंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा? श्रुति को समझेगा नहीं, क्या बोले सर? बोले रेंट कितना? बोले रेंट को क्या बोलेंगे? फिक्स। प्रॉफिट तेरे को क्या चाहिए? जीरो। तो तेरा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? 60,000। एक स्टूडेंट का फीस कितना है? 5,000, उसके ऊपर खर्चा कितना हो जाएगा? 2,000, तो हर स्टूडेंट पे क्या बचा? 3,000। कितने स्टूडेंट होने चाहिए? आप उसको एक्सप्लेन करके देखना, वो आपको 2 मिनट में आंसर करेगी। हाँ, अब इमीडिएटली देन रिपीट करने का, कितने स्टूडेंट होंगे? 60,000 डिवाइड बाई 3,000, 20 स्टूडेंट हैं, 5,000 फीस है, कितना हो गया? 1,00,000। आप ये क्यों सोचते हो कि आपके लेवल का ही आपको क्लाइंट मिलेगा? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि आप जिसका कोई लेवल ही नहीं है वो भी आपका क्लाइंट हो सकता है? पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बिजनेसमैन नहीं होते, जो बिना पढ़े लिखे लोग होते, क्योंकि उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती। अपन लोग हर चीज़ एकदम सिस्टमेटिक सोच समझ के हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखेंगे, इसके लिए अपन आगे नहीं बढ़ पाते, प्रोफेशनल। कितने स्टूडेंट्स हो गए? 60,000 डिवाइड बाई 3,000 इज 20 स्टूडेंट, उसको वेरीफाई करके बताने का। श्रुति देख, एक स्टूडेंट पे कितना आएगा? 5,000, तो 2,000 तो गे ले, काय बैलेंस 3,000, कितनी फिक्स कॉस्ट? 60,000। अब वो ऐड करते गए, 3 1 3,000 3 2 6,000। कोई बात, हैव पेशेंस, बोलो सही है, सुनो परफेक्टली समझा सकते हो। टीवाई स्टूडेंट को तो एकदम नाचेगा, फिर वो फॉर्मूला आ गया मुझे, हाँ, फिर उसको बोलने का नहीं, श्रुति ये कैसे चलेगा 60,000 प्रॉफिट और कमाने का? इसका मतलब ये क्या हो गया? 120। एक स्टूडेंट पे कितना मिल रहा है? 3,000, कितना हो गया? 40। वेरीफाई करने का,
40 × 5000, जितने ज़्यादा स्टेटमेंट भेजोगे क्लाइंट को उतना ज़्यादा पैसा आपको देगा, वेरीफाई करके दिखाने का उसको, हाँ देख 4000 × 5 ये अपने को कितना है, 40 × 5000 कितना हो गया 2 लाख, 40 × 2000 कितना 80000, कितना बचा 120, कैलकुलेट कर, हाँ 120 में से 60 निकाल, क्या आएगा प्रॉफिट 60, चल ताली बजा, डॉलर निकाल, ताली को छोड़, सारा भीख मंगा। हर इंसान से आप कुछ सीखिए जिंदगी में, हाँ हर चीज को आप समझिए। आप बस कंडक्टर से आप कैसे मोटिवेशन लेंगे, हमेशा बोलता रहे चलिए आगे बढ़िए, राइट, इसका मतलब कितना आपको मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़िए। हर चीज को सोचने का एक तरीका है। दो अंकल बेचारे खड़े थे, हाँ